थे उसमें हमने कितना बदलाव किया, कितना चेंजेस किया। कहने का मतलब ये कि आपने क्लास 6 में एडमिशन लिया, 7 में गए, 8 में गए, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आने समय वाले समय में हो सकता है आप पीएचडी करें, पीडीएफ करें, या ये नहीं कर सकते आप किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के प्रिपेयर करें, तो आप ये नहीं कह सकते हमारे अंदर चेंजेस नहीं आए। इंसान तो आप वही, लेकिन चीजें धीरे धीरे करके प्रायोरिटी सब कुछ चेंज होते जा रही है। तो इसी तरह इंडियन इकोनॉमी के साथ, इंडस्ट्री हमारे साथ पास नहीं थी आजादी के पहले, बहुत ज्यादा नहीं थी। दो हमारे साथ घटनाएं हुई, पूरी पाकिस्तान अलग हुआ, जो पहले पाकिस्तान के नाम से अलग हुआ, 1971 में वो बांग्लादेश बन गया, जो हमारी मेजर इंडस्ट्रीज है, जो जूट इंडस्ट्रीज थी वो बांग्लादेश के साथ ही अलग हो गया। पाकिस्तान में हमारी काफ़ी जमीन थी जिसको उपजाऊ जमीन थी, जिसमें प्रोडक्शन काफ़ी, उत्पादन काफ़ी अच्छा था, वो हमसे अलग हो गया। तो उसका कारण ये हुआ कि अब हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, और जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, उन्होंने ये कोशिश की कि हम अपने देश में, सबसे जरूरी ये है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी बृहद औद्योगिकीकरण को कैसे तेजी से बढ़ाएं। और उसका मेन इंटेंशन यही था कि जब तक आप अपने लोगों का पेट नहीं भर देंगे, दूसरों से आप कब तक मांग के खा पाएं। सीधा सा क्वेश्चन यही था कि आप दूसरों से कब तक मांग के खा पाएं। अगर आपके पास अपना उत्पादक का सदन स्वयं होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए सारे के सारे देश कोशिश करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन इसी क्रम में, हरित क्रांति इसीलिए लाई गई क्योंकि हम अमेरिका से PL480 गेहूँ की प्रजाति, जिसको आप लाल गेहूँ कहते हैं, जो अमेरिका में जो सुअर खाते थे वो भारत के लोग उसको खाते थे। तो हमारे पास ये कंडीशन थी, हमने कहानी यहाँ से शुरू करी कि वो लाल गेहूँ खाते खाते ये हो गया कि जब हमारे साथ 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो अमेरिका ने हमको बहुत धमकी, बहुत सारी धमकी दी कि हम, और हम झुके नहीं, हमने पूरी कोशिश की कि हम अपने देश में, क्योंकि हमारे पास जमीन की कमी तो थी नहीं, लेबर की कमी थी नहीं, तो बेहतर यही था कि हम अपने देश में इस प्रोडक्शन लेवल को कैसे बढ़ाएं, उत्पादन लेवल को कैसे बढ़ाएं। आज 2023 में भारत की सिचुएशन ये है कि हम खाद्यान्न मामले में गेहूँ चावल उत्पादन करने के मामले में आत्मनिर्भर, लेकिन केवल गेहूँ चावल का प्रोडक्शन करने से किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि उसके साथ इंडस्ट्री हो, क्योंकि अगर आपके पास इंडस्ट्री नहीं होगी, क्योंकि अगर आपके एग्रीकल्चर यानी कृषि के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो उसके साथ साथ मशीनीकरण को भी बहुत तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। मशीनीकरण इसलिए बढ़ाना जरूरी है क्योंकि जो सारे बाकी देश हैं वो मशीनों को प्रोडक्शन से अपना प्रोडक्शन 3 गुना 4 गुना 5 गुना बढ़ा रहे हैं, और हम अभी भी अगर हैंडमेड या मैनुअल वर्क कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन लेवल उस अमाउंट में नहीं बढ़ता है। बाकी कुछ छोटे छोटे देश ऐसे हैं जिनके पास एग्रीकल्चर की लैंड बहुत कम है लेकिन उनका प्रोडक्शन लेवल हमसे भी है, तो जाहिर सी बात है हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, किसी न किसी मामले में लैग कर रहे हैं। जमीन हमारे पास ज्यादा है, उनके पास जमीन कम है एग्रीकल्चर, लेकिन उनका प्रोडक्शन लेवल हाई है। तो बेहतर यही है कि हम कैसे, किस किस तरीके, भारत सरकार ने कौन कौन से फैसले लिए, पहली जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी और आज 2023 में कौन कौन से अंतर आए, चेंजेस आए, उसके बारे में मैं फैक्चुअल चीजें कुछ आपको लिखाऊँ। तो हम लोग शुरू करते हैं, पहली फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, ये अभी तक की भूमिका थी। पहला लिखिए प्रथम फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मैं आज आपको लिखाऊंगा ज्यादा, प्रथम औद्योगिक नीति 1948। प्रथम औद्योगिक नीति 1948 6 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी, 6 अप्रैल 1948। इसकी विशेषताएं लिखिए, बहुत छोटे छोटे में लिखाऊंगा आपको, कच्चूर चीजें ज्यादा रहेंगी। इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने के लिए आपके पास कहानी का बेस पूरा तैयार होना चाहिए और आपको कभी भी लिखने में दिक्कत नहीं। 1947 के बाद जो भी चीजें आए, चाहे ग्रीन रिफ, चाहे रीजनल रूरल बैंक्स आए और बैंकों का नेशनलाइजेशन, वो सब चीजें बिजनेस को रिलेटेड, क्योंकि इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, एमएसएमई को प्रमोट करना है, तो लोगों के पास फंड होने चाहिए। इसलिए हमने एमएसएमई को बढ़ाने की कोशिश की, हमने कोशिश की कि क्षेत्रीय लेवल पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हमने की। देखिए पहले लिखिए, सिर्फ लिखिए तत्कालीन उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की। बुलेट पॉइंट में लिखेंगे तो थोड़ा जल्दी होगा, शॉर्ट में होगा। तत्कालीन उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी
ने देश की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की। अगला पॉइंट, इस नीति में आर्थिक विकास हेतु मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब यह था कि देश के पूंजीपति और सरकारी क्षेत्र मिलकर काम करेंगे। पंडित नेहरू जो उस समय का यूएसएसआर था, उससे उसकी योजना प्लानिंग कमीशन से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, जो उनकी समाजवादी व्यवस्था थी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। तो पंडित नेहरू को लगा कि हम 200-300 साल की गुलामी झेल के आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम अपने देश को पूंजीपति व्यवस्था अर्थव्यवस्था बनाते हैं तो इस देश में फिर से पूंजीपतियों का शासन हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये तो वही बात हुई कि हमें एक आसमान से गिरे खजूर भटक गए। अगर पूंजीपति इस देश पर करेंगे तो जो उनका प्रॉफिट जहां देखेंगे वहां वो पैसे लगाएंगे, बाकी देश कैसे तरक्की करेगा। तो बेहतर यही था कि उनको पता था कि गांव में सड़क पूंजीपति लोग बनाने नहीं जाएंगे क्योंकि उनको उससे कोई फायदा नहीं। उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करें, जहां जहां पर निजी क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी निजी क्षेत्र पैसे लगाएगा, जहां जहां पर सार्वजनिक यानी सरकार की जरूरत होगी तो सरकार पैसे लगाएगा। जब हमने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा जिसमें एक आपने वर्ड लिखा होगा वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य, इसका मतलब यह है कि सरकार बिना किसी भेदभाव के समाज में रहने वाला जो अंतिम पायदान का व्यक्ति है उसके लिए जो पॉलिसी बनाएगी या उसके साथ भी वही रूल्स और रेगुलेशंस होंगे जो देश के अमीर उस समय के टाटा बिरला के पास। तो उनका मेन उद्देश्य था कि जो समाज में सबसे अंतिम तबके पर आदमी बैठा हुआ है उसके लिए ही सरकार पूरा ध्यान दे। अगला लिखे सेकेंड इंडस्ट्रियल, क्या वो द्वितीय औद्योगिक नीति 30 अप्रैल 1956 इस नीति में उद्योगों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया। प्रथम वर्ग में 17, द्वितीय वर्ग में 13 और शेष सभी को शामिल किया गया। इसका मतलब इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। तो प्रथम वर्ग में 17 उद्योगों को, द्वितीय वर्ग में 13 उद्योगों को और बाकी तृतीय वर्ग में बाकी जो बचे हुए थे उनको शामिल किया गया। टोटल 13, टोटल 17-13 और बाकी जो बचे हुए थे उसको लिख लीजिए। आप उसको फिगर बहुत याद करने की उतना जरूरत नहीं है, मेन चीज आप लिखते हैं। इस नीति को पहली में 17, दूसरे में 13। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने ये कोशिश करने की कोशिश की कि जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं उसमें इन क्षेत्रों पे, जैसे कि पहले 1947 में 90 के पहले तक जितनी भी क्रियाएं थी वो सरकार के अधीन, जो भी आप बीएसएनएल का नाम ले लीजिए, जितनी भी इंडस्ट्री थी वो सरकार के अधीन थी। 1991 में क्या हुआ कि सरकार को जब हमारे पास समस्या आ गई तो सरकार ने कहा कि हम अपना शेयर डायल्यूट कर, शेयर डायलूट का मतलब ये कि जो सरकारी क्षेत्र है अब हम इसको प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे हैं, अगर आप इसको खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो आप ले सकते हैं। जैसे आज के दौर पे भारत सरकार बीएसएनएल को बेच रही है, एयरपोर्ट्स को बेच रही है, जिसको आप बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट, विनिवेश, कि सरकार अपनी संपत्तियों को बेच रही है। सरकार ऐसा इस LIC को बेच रही है, ऐसा इसलिए कर रही है कि सरकार को लगता है कि ये इनको चलाना सरकार के लिए जो प्राथमिकता सरकार में नहीं, क्योंकि ये लॉस में जा रहे हैं, घाटे में, और अगर ज्यादा घाटे में है तो सरकार चलाएगी, सरकार को नुकसान ज्यादा हो रहा है, तो आइए प्राइवेट सेक्टर को इन्विटेशन देते हैं, आइए इसमें इन्वेस्ट करो। तो इससे दो बातें होती हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो आपके दिमाग में एक जनरल इमेज यही होती है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो बढ़िया काम करता है, आपके मन में दिमाग में एक इमेज है। तो अगर आप सोचिए कि जो चीजें नुकसान में चल रही सरकार उसको कोई तरीके से बेचने की कोशिश कर,
अलग ही तरीके में बहुत सारे लोग सहमत नहीं, जिसमें मैं भी सहमत नहीं, तरीका अलग हो सकता है, लेकिन अपने अभी सोचने की शक्ति है या अपने अपने समझने का एक तरीका है। अगला लिखिए इस नीति को, अगला पॉइंट इस नीति को देश के सभी औद्योगिक नीति का आधार स्तंभ माना गया। इस नीति को देश के सभी औद्योगिक नीति का आधार स्तंभ माना गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये लिखना नहीं, ऐसा इसलिए हुआ कि जो हमारा सेकेंड फाइव ईयर प्लान था, द्वितीय प्लानिंग कमीशन जो पंचवर्षीय योजना थी, उसमें हमने फोकस किया था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, वृहद औद्योगिकीकरण। हमारे ये उद्देश्य है सरकार तमाम तरीके से देशों से मिलकर औद्योगिक यानी कारखाने स्थापित करेगी, जिसमें हमने रशिया की हेल्प ली, यूएसएसआर उसकी जर्मनी की हेल्प ली, आपने दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो, राउरकेला का नाम सुना होगा। वो इसी क्रम के ये था कि क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम सबको बना पाए, तो बेहतर था कि उस समय जिनसे हमारी बनती अच्छी थी, देशों के साथ जिनसे हमारे संबंध अच्छे थे, उनको हमने इन्विटेशन दिया कि हम दोनों मिलके यहाँ पर यह स्थापित करेंगे। एक अच्छी बात यह कि भारत सरकार का जो IITs है, अब IITs भारत में ही नहीं केवल विदेशों में भी अपने कैंपस खोल रहा है। अभी IIT मद्रास ने अपने कैंपस शायद अफ्रीका में किसी उसमें देश में खोला है उन्होंने, शायद नाइजीरिया है कि अमेरिकन भी, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप दूसरे देशों में खोल रहे हैं तो उसके तमाम तरीके की बेनिफिट है। फिलहाल तीसरा लिखिए, तीसरी औद्योगिक नीति 23 दिसंबर 1977 तत्कालीन उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा इस नीति को प्रस्तुत किया गया। तत्कालीन उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा इस नीति को प्रस्तुत किया गया। जॉर्ज फर्नांडिस अगला पॉइंट द्वारा प्रस्तुत किया गया, लाया गया। अगला पॉइंट, इस नीति का प्रमुख उद्देश्य रोजगार में वृद्धि व आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करना था। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य रोजगार में वृद्धि व आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करना था। अगला पॉइंट, लघु एवं कुटीर उद्योगों की विस्तार की नीतियों को स्वीकार किया गया। लघु एवं कुटीर उद्योगों के विस्तार की नीति को स्वीकार किया गया। लघु एवं कुटीर उद्योग क्या होते हैं? जो हैंडमेड होते हैं, आप गांव के लेवल में आप छोटे छोटे टोकरियां बनाते हैं, बास्केट बनाते हैं, बांस के प्रोडक्ट बनाते हैं, टोपी हो गया, जो चीजें हाथ हैंडमेड होती है, जो घर के परिवार के लेवल में जो चीजें बनती हैं, मूर्तियां हो गई, ये सारे चीजें लघु एवं कुटीर उद्योग में आते हैं। अगला लिखिए, नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 मैं इंग्लिश में इसलिए लिखता हूं कि चीजें को आपको मीनिंग पता हो जाए। वो तो होता क्या है कि कभी कभी आपको हिंदी में जब आप चीजें पढ़ते हो आपको इंग्लिश उसका बेसिक चीजें पता होना चाहिए। यूपीएससी मैंने आपको एक बार बताया भी था कि वो आयरन इस्पात को लिख के आया था लव पौधा, तो कभी कभी ये होता है कि जो इंग्लिश वर्जन होता है वो सही माना जाता है हिंदी के कंपेरिजन। तो इस चीज को बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री को उद्योग क्या, ये सब चीजें पता हो, क्योंकि अगर आप
आने वाले समय में एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इंग्लिश आएगी तभी बनेंगे, लेकिन आपको बेसिक, इसीलिए आपके साथ सी सेट का पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है। वो आपको ये देखना चाहते हो कि आज इंसान को बेसिक इंग्लिश आती है कि नहीं, ऐसा ना हो कि कल को कहीं वो काम करे, क्योंकि अगर आप कल को सिविल सर्वेंट बनते हैं तो आपको केवल एक जगह नहीं रखा जाएगा, भारत सरकार के किसी भी उपक्रम में आपको भेजा जा सकता है। तो आप वहां पे ये नहीं कह पाएंगे कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं पूरी तरह, ये नहीं है कि बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। फिलहाल देखिए क्या हो गया, रिपीट कर दूं, नई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कौन सा रिपीट करना है? तो बताने जा रहा हूँ, तो मैं बता रहा, आप बताओ, मैंने भी बताया नहीं उसके बाद में 1991 में, हाँ यही तो बोला, अभी मैंने लिखाना शुरू नहीं किया है, मैं आपको बता रहा था कि आप सबको अधिकारी बनेंगे किसी भी लेवल पे जाएंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। और कहिएगा भी मत, आपसे पूछे ये सफाई इंग्लिश फुल इंग्लिश नहीं बेटा, ऐसे नहीं कर सकते, अगर ऐसा कर देंगे तो दिक्कत है, फिर बाकी गुजराती वाला क्या बोलेगा, गुज्जू भाई वो भी बोलेगा मेरा भी कुछ परसेंट है, मराठी भी बोलेगा, ओडिया भी बोलेगा, भारत तो विविधताओं का देश है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, यही तो हमारा चक्कर है। तो अगर अगर आपने किसी एक के लिए कह दिया तो साउथ वाले स्टेट क्या बोलेगा कि हिंदी हम पे थोपी जा रही है, यही कहेंगे ना। भारत सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या कहा कि हर एक बच्चे को 3 लैंग्वेज सीखनी चाहिए अपनी मातृभाषा के अलावा, हिंदी इंग्लिश एक सब्जेक्ट और जो और सीखना चाहता है। तो सारे साउथ के स्टेट गुस्सा हो गए कि हम पे जबरदस्ती हिंदी थोपी जा रही। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट है, जहां पर मैं प्रोडक्ट हूं वहां का, तो वहां पे 3 लैंग्वेज ऑलरेडी सिखाई जाती, हिंदी इंग्लिश पता होते। मैंने 4 साल मलयालम सीखी तो थोड़ा बहुत मलयालम बोल लेता हूँ, थोड़ा बहुत मलयालम लिख लेता हूँ, थोड़ी से बोलो, अब मुझे गिनती याद है सारी, ये भी गिनतियां सुना रहा हूँ, 3-4 पोयम याद है मुझको, कहीं देखा सुना दूं। एक पोयम ऐसा है कि एक वो बैठी हुई है जो हरा तोता होता है, वो बैठा हुआ है, आदमी उसको देख के गाना गा रहा है, कविता पोयम होती है जैसा। तो पोयम ऐसी थी कि ये अलाउड है ना, पोयम सुनाना अलाउड है ना, अब हंसिएगा मत आप लोग, कुछ ऐसे है पोयम, बच्चू मरत तिरी कुंपच्चर के लिए बाड़ूगी कनिगर तराम न्यान पालू तराम न्यान कनी बड़ू पाड़ू जो पाड़ूगी, मतलब हरा तोता बैठा हुआ है डाली पे और उसके बंद जो विचार आ रहे हैं वो, ये कई कविताएं मुझे याद है क्योंकि मैंने पढ़ी हो, मैं नाम वाम लिख लेता हूँ। तो मेरा ये उद्देश्य, मेरा जो सोचना है इस मकसद इसमें कि एक व्यक्ति को 3 लैंग्वेज आनी चाहिए, कारण उसका क्या है, ऐसा इस चीज़ का मैं भारत सरकार की इस नीति के बहुत समर्थक हूँ कि एक इंसान को 3 लैंग्वेज आनी चाहिए, तैयारी छूट ना जाए, मैं सोच रहा हूँ कि लिखाई दो पहले। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला मतलब ये सिंपल सी है कि आप भारत में रहते हैं और भारत में तमाम लैंग्वेज बोली जाती है तो आपको एक एडिशनल लैंग्वेज आनी चाहिए। जब आप सिविल सर्विस की कोचिंग करने जाते हैं तो आपको वो ट्रेनिंग होती है लेबासना में, उत्तर उसमें मसूरी में, तो उसमें तमाम चीज़ें आपको यही सिखाई जाती है कि आपको पब्लिक डीलिंग कैसे करती है। आप उत्तर प्रदेश के हैं, आपको नागालैंड भेज दिया गया तो आप ये नहीं कह सकते मैं सर्विस नहीं कर सकता। मैक्सिमम जो सिविल सर्वेंट है वो बेचारे थोड़ा उदास रहते, नाराज ज़्यादा रहते अपनी सर्विस से। अब आप लोग बोलोगे सर्विस यूपीएससी सर्विस बन गया, क्या नाराजगी है, अब वो उत्तर प्रदेश रहने वाले हैं, भोपाल दिखाने उनको उत्तर प्रदेश में, अब उनको पोस्टिंग मिल गई मिजोरम में, तो किसको दिखाएंगे, सच्चाई है कि नहीं। एक पॉइंट है, आप अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं, सही सही बता, खुद से सोच के बताओ, एक भी लड़का ऐसा नहीं होगा कि मुझे समाज की सेवा करें, समाज की सेवा करनी तो ऐसे ही सेवा कर सकते, किसने मना किया, लेकिन कहीं ना कहीं मन में है कि हमारे मन में पावर आएगी, सच्चाई यही है। अब आप उसको छिपा लें अलग बात है, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ लोगों की सेवा, ऐसा कुछ नहीं, आपका हिडन अपना एजेंडा है कि अगर वो जो फलाना आदमी इतने दिन से मुझे परेशान करेगा, स्टेटस तो आप ऐसे ही लगाते हैं ना अपना है, किसी की जेब में रहना, किसी की जेब में रहना हमारी फितरत नहीं, नोट एक ही है कह रहे, ऐसे करके कोई लोग स्टेटस कैसे लगाते हैं, स्टेटस ऐसे लगाते हैं कि नोटों पर तस्वीर हमारी भी होती पर किसी की जेब में रहना हमारी फितरत नहीं, यही है ना इसका मतलब, कहना बस स्टेटस यही है कि भाई हम भी हमारा भी चित्र नोट में हो सकता है, लेकिन होता कभी नहीं, फिलहाल वो अलग बात है। दूसरी बात, अब अलग पॉइंट के लिए टाइम निकल रहा है, 24 जुलाई अगला पॉइंट लिखिए, 24 जुलाई
1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने नई आर्थिक नीति 1991 की घोषणा की। इसका जो मेन क्रक्स था, क्रक्स मतलब जो समरी बोल दो, वो था एलपीजी। इसको है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो 1991 की सिचुएशन को आप समझिए, कहा है क्या, मैंने तो लिखा तो दूंगा उसको। 1991 को बड़ा एक स्वर्णिम समय माना जाता है। हमारे पास 15 दिन का फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था। उस समय के तत्कालीन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनके साथ समस्या ये थी कि आने वाले 15 दिन के बाद हमें विदेशी वस्तुओं का पेमेंट करने के लिए पैसे सिचुएशन है, हमारे पास पैसे हैं नहीं, अब हम क्या पैसा लें। तो भारत सरकार ने तमाम तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे थे। अगर आपको भारत में कोई उद्योग खोलना है किसी विदेशी आदमी को, इतनी पेपर फॉर्मेलिटीज थी, इस विंडो से इस विंडो जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ। तो IMF ने एक शर्त रखी कि अपनी बाजार तो खोलिए, अगर आप अपने बाजार को नहीं खोलेंगे तो आपको लोन नहीं देंगे। इंग्लैंड ने भी शर्त यही रखी कि अपने बाजार को खोलिए और जो प्राइवेट प्लेयर्स उनको एंट्री दीजिए। तो इंग्लैंड से हमको पैसा लाने के लिए सोना भी गिरवी रखना पड़ा और तमाम तरीके से हमने अपने बाजार को धीरे धीरे खोलना शुरू किया। यानी कि अब विदेशी लोग भी, भारत सरकार ने कुछ एंटिटीज को अपने, जैसे रेलवे को उस समय अपने पास रखा, जो आणविक शक्ति है उसको अपने पास रखा, जो सेंसिटिव चीजें थी उसको केवल अपने पास रखा, बाकी सबका कहा कि ठीक है बाकी सब में आप इन्वेस्टमेंट निवेश कर सकते हैं। अब धीरे धीरे ये कंडीशन आ गई कि भारत सरकार रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जिसका एग्जाम्पल आप वंदे भारत ट्रेन और तेजस देख सकते हैं। आने वाले समय में इसका आपको और देखना पड़ेगा कि भारत सरकार धीरे धीरे करके सारी चीजों को डाइल्यूट करना शुरू करेगी। डाइल्यूट करने का मतलब ये अपने हिस्से से बचना चाहेगी और प्राइवेट सेक्टर को बहुत तेजी से इन्विटेशन देगी। उसका कारण ये है कि अब भारत सरकार अपना बजट चाहती है कि बहुत ज्यादा हम लॉस कर रहे हैं, नुकसान उठा रहे हैं, तो प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, जहां पर आपको नहीं समझ में आएगा वो पूछ लीजिएगा। पहला पॉइंट, नई आर्थिक नीति, मैंने क्या बोला था आपको, 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने आर्थिक नीति 1991 की घोषणा की। नई आर्थिक नीति सुधार के मुख्य क्षेत्र थे, कौन कौन से क्षेत्र में सुधार किया गया, पहला था राजकोषीय नीति। हाँ बिल्कुल, फिर से बोल दूं, मैं तेज बोल रहा हूँ क्या, बताया अच्छा ठीक है, मैं धीरे बोल रहा हूँ। नई आर्थिक सुधार नीति, अगर मैं तेज बोलूंगा तो मुझे टोक दीजिएगा आपको। नई आर्थिक सुधार नीति 1991 के मुख्य क्षेत्र थे, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, कौमा मूल्य निर्धारण नीति, मूल्य निर्धारण नीति, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मूल्य निर्धारण नीति। अच्छा, नई आर्थिक सुधार नीति के मुख्य क्षेत्र थे, कौन कौन से एरिया में फोकस किया गया था बेसिकली, बहुत तेज बोल रहा हूँ मैं। अच्छा लिखिए, अब नहीं होगा, चलिए मुझे लग रहा है मैं सही बोल रहा हूँ वैसे। हाँ अच्छा ठीक है, आप नहीं होगा, लिखो बहुत धीरे धीरे, आप बहुत धीरे। नई आर्थिक सुधार नीति क्या हो गया, अरे यार छेड़ो मत, कुछ नहीं नुकसान। अच्छा ठीक है चलो लिखो, नई आर्थिक सुधार नीति के मुख्य क्षेत्र थे राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मूल्य निर्धारण नीति, विदेशी नीति, औद्योगिक नीति, विदेशी नीति, औद्योगिक नीति, व्यापार नीति और सार्वजनिक क्षेत्र नीति। लास्ट में है व्यापार नीति और सार्वजनिक क्षेत्र नीति।
अगला लिखिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, नई औद्योगिक नीति 1991। जो जो मेन मेन चीजें थी मैं उसको लिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपने लिखा नई आर्थिक नीति 1991, मैं बोल रहा हूं नई औद्योगिक नीति 1991। जब नई इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई तो बाकी दलों ने बहुत ज्यादा विरोध किया। अपोजिशन का काम ही होता है विरोध करना, क्योंकि भाई जो सरकार ने अच्छा काम किया है कि एक उसका प्रेशर ग्रुप होता है और जो अपोजिशन होता है कि जो आपने किया है गलत काम किया है, अच्छा नहीं किया है। कल को जब मोदी जी भी अपोजिशन में थे सीएम में, तो सारी कांग्रेस की नीतियों का विरोध करते थे। हालांकि जब वो खुद प्रधानमंत्री बने तो भाई सारी कांग्रेस की नीतियां उन्होंने शुरू करने की कोशिश, क्योंकि सरकार का उद्देश्य होता है। जैसे कि आपने लैंड एक्विजिशन बिल का नाम सुना होगा, भूमि अधिग्रहण कानून का नाम, जीएसटी का उन्होंने विरोध किया। तो उन्होंने कहा, तो कहने का मतलब जो सरकार को ये लगता है, जो उसकी कैबिनेट फैसला करती है, देश की चीज के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और जब उस समय जब प्रणव मुखर्जी वित्त मंत्री थे, तब उसमें उस समय जो अपोजिशन में सुषमा स्वराज, उन्होंने विरोध किया कि जो आप ये नई नई बाजार को खोल रहे हैं, इससे हमारे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर का पोजीशन ने विरोध किया कि हमारे सारे उद्योग जो धंधे हैं लोगों के वो खत्म हो जाएंगे। और कंप्यूटर के आने की वजह से भारत में क्रांति हुई। आप उसका देख ही रहे हैं कि आज हमारे पास इंटरनेट पेनिट्रेशन, जो इंटरनेट इस्तेमाल करने में जो उपभोक्ताओं की संख्या है, वो शायद विश्व में दूसरे या तीसरे नंबर पर। और आने वाले समय में हम पहले कहा कि हमारी भारत की पॉपुलेशन आज के समय में अगर आज देखा जाए 142 करोड़ की हो गई, तो पूरा का पूरा मार्केट हमारे पास है। इसलिए सारे का सारा जो फॉरेन जो डेलीगेट्स है वो हमारे फॉरेन कंट्री है, वो हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम यहाँ पर अपना बाजार खोलें। अगला पॉइंट देखिए, इसके इसके मुख्य जो विशेषताएं थी, पहले देखिए औद्योगिक लाइसेंसिंग से मुक्ति। औद्योगिक लाइसेंसिंग लाइसेंसिंग से मुक्ति, वर्तमान में केवल उसी में लिखिए दो डॉट बना के, वर्तमान में केवल 4 उद्योगों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। वर्तमान में केवल 4 उद्योगों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। पहला तंबाकू उत्पाद, दूसरा है खतरनाक रसायन, तीसरा है औद्योगिक विस्फोट एवं रक्षा उत्पाद। पहला है तंबाकू उत्पाद, दूसरा है खतरनाक रसायन, तीसरा है औद्योगिक विस्फोट एवं रक्षा उत्पाद, और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक एवं एरोस्पेस। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एवं एरोस्पेस, लेकिन भारत सरकार धीरे धीरे इसको भी डायलूट कर रही है, अपनी हिस्सेदारी डायलूट कर रही है। अब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस तीसरा था औद्योगिक विस्फोटक एवं रक्षा उत्पाद, औद्योगिक विस्फोटक एवं रक्षा उत्पाद। तंबाकू उत्पादों पे कंट्रोल करना जरूरी, ये लिखना नहीं, तंबाकू जो उत्पाद है जो खतरनाक उत्पाद है, इन पर कंट्रोल करना जरूरी था। इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर इसको हमने खुला छोड़ दिया तो धीरे धीरे करके, अभी देखो भारत सरकार कितना रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, और जो आपके पास तंबाकू जो पैकेट आता है गुटखा, उसमें लिखा हुआ होता है ना, इतना बड़ा समूह होता है इसमें, और लिखा होता है तंबाकू के इस्तेमाल से कर्क रोग होता है, टोबैको प्रोसेस कैंसर, लेकिन हम लोग सारे लोग खाते हैं क्योंकि उसमें दाने दाने में केसर का, हम सारे लोग खाते हैं। नहीं, सारे लोगों का मतलब मेरा ही नहीं, लड़कियां खा रही, मेरा ही टेंशन ही है कि मैक्सिमम लोग खाते हैं कि नहीं। अब सरकारी सारी बिल्डिंग की हालत देखो, सब में बढ़िया बढ़िया चित्रकारी बनी होती है, तो इसलिए लिखती है, फिर भी लोग उसको, आप एक तरीके से मौत ही खा रहे हैं। उसमें इंस्ट्रक्शन लिखा है कि इसके इस्तेमाल से कर्क रोग होता है, कैंसर होता है, लेकिन फिर भी आप उसको खा रहे हैं। चार चार आ रहे हैं बच्चे, मोटे मोटे आ रहे हैं, वो तो नहीं खा रहे हैं।
तो आपको क्या लगता है कि आप जब बनेंगे इसको खत्म कर देंगे? सबसे ज्यादा सर एक्टर लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, वो लोग प्रचार इसका ज्यादा करते हैं। कौन लोग प्रचार करते हैं? तो आप क्यों क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये तो आप आपके ऊपर है ना भाई। हाँ, ये अलग एक मुद्दे की बात हो सकती है कि जो हमारे सेलिब्रिटी हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, अगर वो उसका प्रचार करते हैं तो एक गलत इमेज जाती है, नहीं करना चाहिए। लेकिन 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 मनी है तो हनी है ना, पैसा है तो हनी है, यही मतलब है मनी है तो हनी है। तो भाई उनको पैसे चाहिए। जे आपको उन्होंने सरकार ने 33% जो एक गुटखा का पैकेट है उस पर लिखा हुआ 33% हिस्से पे कि तंबाकू खाने से कल ग्रो यदि कैंसर होता है, और फिर भी अगर आप अपनी मौत को चुन रहे हैं तो यूर मूव होगा, आपका स्वागत है। वेलकम कहाँ लिखा होता है ऐसा? आप सोचो कि सिगरेट का 5 रुपए का जो पैकेट आती थी कैप्टन आती थी, अभी छोटी गोल्ड कितने की आती है आप बताइए? 8 की नहीं आती, 10 की आती छोटी गोल्ड, बड़ी गोल्ड आती 12। देखो मैं भले नहीं पीता, रेट मुझे सबका पता। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ 10 रुपए 8 रुपए कि इसका रेट भारत सरकार इस पर इतना टैक्स लगाती है, इतनी तरीके टैक्स लगाती है, लेकिन इसका इस्तेमाल में कोई कमी नहीं आई, लोग इस्तेमाल कर ही रहे हैं। कोरोना के टाइम में जो पुड़िया मिलती है शुद्ध प्लस वाली 2-3-4 रुपया की, वो लोगों ने एक पुड़िया 10-10 में बेची है और टिकिए बगैरा लोगों ने खरीदा है। इसलिए कि कितना भी आप इंस्ट्रक्शन लिखवा दीजिए लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। और बनारस में चले जाइए तो बनारस में जब तक मुंह में पानी भरा गुड़ का है ऐसे करके जब तक आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैं बनारस में 3 साल रहा हूँ तो वहाँ की लैंग्वेज बड़ी जल्दी सीख गया था मैं। अब ये अलग मुद्दा है, कहाँ पर थूकेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल ये लिख लो यार, आप लिखे। MRTP कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिए। अगला पॉइंट MRTP, इसका मैं मतलब बताता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। MRTP देखिए, MRTP का मतलब होता है एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार, इसको कोष्टक में बंद कर दीजिएगा। हाँ, तो आगे लिखिए उसी में लिखिए परिसंपत्ति सीमा 100 करोड़ समाप्त, 100 करोड़ के ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा, 100 करोड़ रुपए समाप्त, पूर्ण विराम, इसकी समाप्ति राघवन समिति है जी 2000 में, आगे पोस्टर में लिख भी सकते हो राघवन समिति 2000 वर्ष का नाम, सन 2000 की अनुशंसा पर की गई तथा की अनुशंसा पर की गई तथा 2003 में तथा 2003 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का गठन किया गया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, शायद इसका नाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 2003 की का गठन किया गया या स्थापना हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष अशोक चावला बने। दूसरा लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, जिसके प्रथम अध्यक्ष अशोक चावला बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी लिख लो। अगला पॉइंट, विदेशी निवेश एवं विदेशी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन।
चार सेक्टर में या चार क्षेत्रों में विदेशी निवेश प्रतिबंधित है, चार क्षेत्रों में विदेशी निवेश प्रतिबंधित है। परमाणु ऊर्जा, लॉटरी, जुआ और सट्टा। परमाणु ऊर्जा, लॉटरी, जुआ और सट्टा, हाँ अलग अलग है, जुआ अलग है सट्टा अलग है। लेकिन आज में देखो आपको जुआ खिलाया जा रहा है ऑनलाइन, एमपीएल बैठे बैठे काम क्या करो, ये काम ये इसको छोड़ो, ये काम मैं कर लेता हूँ, ये तुम करो, एमपीएल पे ड्रीम इलेवन पे टीम बनाओ, क्या कर रही है सरकार। और सोचो ये टीमें बनी, मिलियन डॉलर कंपनी बन गई, आपको ऑफिशियल तौर पर जुआ खिलवाया जा रहा है, उसमें लिखा रहता हुआ है इट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रेस, प्लीज प्ले केयरफुली, बड़ी सावधानी से खेलो। और लेकिन जो इंस्ट्रक्शन बताए जाते हैं बहुत धीरे से बताए जाते हैं, बहुत तेजी से बताया जाता है, यही बताया जाता है ना कि म्यूचुअल फंड इज द मैटर ऑफ सब्जेक्ट ऑफ मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत केयरफुली पढ़ लीजिए। चलिए अगला पॉइंट इसी में लिखिए, सट्टा एवं एकल ब्रांड रिटेलिंग, एवं एकल ब्रांड रिटेलिंग को छोड़कर, रिटेलिंग को छोड़कर रिटेल ट्रेडिंग। आप सोचिए कि हमारे यहां पहले मल्टीनेशनल चेन का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता, इसका मतलब यह है कि अगर आपको कुछ सामान खरीदना है तो आप पंसाली की दुकान पे जाते तो खरीद के ले आते, अभी एक छत के नीचे आपको सारा कुछ मिल जाता है। आप किसी रिलायंस प्रेस में चले जाइए, सनवी में चले जाइए, वी मार्ट में चले जाइए, विशाल में चले जाइए, तो ये सब हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं था, हमको लगता नहीं था कि होगा। जब भारत में पहली बार पानी बेचने का कॉन्सेप्ट जिस आदमी ने रखा कि हम अपने इस देश में पानी बेचते हैं, रेलवे और बहुत बिक्री होगी, तो इस सिस्टम का बहुत मजाक उड़ाया गया। क्यों? क्योंकि ये लगता था पानी तो मुफ्त है, पानी कौन खरीदेगा, और ये बात सच थी कि पानी तो हर स्टेशन में मिल जाता है। लेकिन देखिए ब्रांडिंग का असर कैसा हुआ कि अगर आज स्टेशन में नल लगा है तो आप स्टेशन से नल से पानी नहीं पीते, और आप कहते 20 रुपए हम खाना हमको बीस ले लिए एक बार पीना दे दो, और पैसे कम 5 रुपए तो रेल नीर वाला होटल दे दो 15 रुपए को मिलेगा। तो अगर ब्रांडिंग से सब कुछ बेचा जा सकता है, मैं आपको एक मजेदार इंसिडेंट बताता हूँ कि एक कंपनी बहुत परेशान थी क्योंकि उसका टूथपेस्ट बिक नहीं रहा, काफी फेमस ब्रांड है, ब्रांड को जाने दीजिए, ब्रांड था शायद कोलगेट था या कोई और ब्रांड था, एक एग्जैक्ट मुझे याद नहीं रहा, इनकी बिक्री कम हो रही थी। अब सारे के सारे सारे बैठे हुए थे कि बिक्री को कैसे बढ़ाया जाए, तो बहुत देर बाद एक कर्मचारी जो था उसने ये कहा कि जो इसका जो ढक्कन का पीस है ना, जो छेद ऊपर का जो हिस्सा है, पहले बहुत छोटा पतला छोटा आया करता था, तो जब आप टूथपेस्ट निकालते हैं तो बहुत थोड़ा सा निकलता था, तो इसके साइड मुंह को जो चौड़ाई वो बड़ी कर दिया, और धीरे धीरे करके इनकी सेल ऑटोमेटिकली बढ़ गई। उस कंपनी को सीधे सीधे शायद मैनेजर से मैनेजिंग की पोस्ट पर अपॉइंट किया। एक छोटा सा आइडिया एंड ए स्मॉल आइडिया कैन चेंज द लाइफ। नहीं, कहने का मतलब ये कि बहुत छोटा सा आइडिया था, और छोटा सा आइडिया उसकी जो सेल थी ऑटोमेटिकली बहुत तेजी से बढ़ गई, क्योंकि आदमी नींद में होता है टाइम ऐसे निकला, ज्यादा निकल के चलो भाई अंदर जाएगा निकल। खैर अब अगला पॉइंट लिखिए, वो छोड़कर रिटेल ट्रेडिंग, ठीक है। अगला पॉइंट विदेशी मुद्रा, अगला पॉइंट हाँ हाँ चार क्षेत्र, अगला पॉइंट लिखिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जिसको आप विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा, जिसको फेमा बोलते हैं, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, एक क्या मतलब था फेमा, नहीं नहीं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अमेंडमेंट नहीं था, आप फेमा ही समझिए, एक्ट सॉरी एक्ट 1999 के तहत देखो ये जो मैं कहना क्या चाह रहा है, 1973 में एक फेरा एक्ट था,
फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को चेंज करके बनाया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये 1973 में था, इसको बनाया गया 2000, इसको रिप्लेस कर दिया गया। 13 में कुछ कमियां थी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, इसके तहत ये था कि अगर आप किसी तरीके की विदेशी मुद्रा का या किसी तरीके की आप पकड़े जाते हैं, जैसे कि आप विदेशी मुद्रा का लेन देन कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में आपके पॉकेट में एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा डॉलर विदेशी मुद्रा नहीं हो सकती, अगर ऐसा पाया जाता है तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाती थी, आप जेल जा सकते थे 13 के थ्रू, मतलब 13 जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था। भारत सरकार ने इसको थोड़ा लिबरल किया, लीनिएंट किया, मतलब थोड़ा सा सरल बनाया, कहा कि नहीं यार ये अपराध नहीं होगा, ये होगा इसमें हम सजा नहीं देंगे, ये अपराध की श्रेणी में आएगा, लेकिन सजा का प्रोविजन को थोड़ा सा लीनिएंट, थोड़ा साधारण सरल। उसका मेन पर्पज ये था कि बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें जो इसके लिए सही नहीं थी, तो हमने इसको थोड़ा सरल बनाया। ऐसा ये कि अगर हम ये कह दें कि अगर आप चोरी करेंगे तो आपको सीधे सीधे आपका सर धड़ से अलग, ये शरीर से अलग कर दिया जाए, तो आप वो हो गए यार कि यार तो ये तो ठीक नहीं, तो ज्यादती है। जैसे काफ़ी कंट्रीज में ये होता है कि आप चोरी करते हैं तो अगर हाथ से चोरी के तो आपको हाथ काट दिया जाता है, ऐसा था गल्फ कंट्रीज में होता, अभी अभी होता है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन लेकिन है अभी भी ये कानून है। तो अगर मैं ये कहूँगा आप चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको चलो 1 साल की सजा हो जाएगी, 10,000 का जुर्माना हो जाएगा, तो वैसे इसको भी समझिए कि जो कानून 13 में थे बड़े खतरनाक थे, जिसमें लगता था कि अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो कानूनन अपराध है, वो जेल की सजा भुगतेगा। इसमें इस प्रोविजन को सख्त बनाया और तमाम तरीके से कहा गया कि आपको इतना ज़्यादा पेनल्टी ये सब कुछ देना पड़ेगा। देखिए अब ये हेडिंग कार्य राजकोषीय की थी, 1999 के तहत वर्ष 2000 में 13 का प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, 1999 में भी ये एक्ट आया, 2000 में इसको अप्लाई कर दिया, 1999 में फेमा एक्ट आया और 2000 में इसको लागू कर दिया गया, यानी कि 13 का प्रतिस्थापन करके फेमा लाया। अगला पॉइंट लिखिए, राजकोषीय नीति 1991, राजकोषीय नीति 1991 इसके तहत चार प्रमुख कदम उठाए गए, इसके तहत चार प्रमुख कदम उठाए गए, चार प्रमुख कदम उठाए गए। पहला, सार्वजनिक व्यय को सख्ती से नियंत्रित करना, सार्वजनिक व्यय मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय को सख्ती से नियंत्रित करना। दूसरा, पहला है सार्वजनिक व्यय को सख्ती से नियंत्रित करना, दूसरा कर एवं कर भिन्न राजस्व को बढ़ाना, कर कर टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना, कर एवं कर राजस्व को बढ़ाना, या नॉन टैक्स मतलब होता है गैर कर राज्य को बढ़ाना। तीसरा लिखिए, केंद्र तथा राज्य सरकारों पर, केंद्र तथा राज्य सरकारों पर राजकोषीय अनुशासन लागू करना, केंद्र तथा राज्य सरकारों पर राजकोषीय अनुशासन लागू करना। चौथा है अनुदान राशि में कटौती करना, चौथा है अनुदान राशि में कटौती करना। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब है सरकार आपके लिए जो पैसे खर्च करती है, चाहे वो कॉलेज बना रही है, चाहे वो रोड बना रही है, चाहे वो हॉस्पिटल बना रही है, चाहे वो अनाथालय बना रही है, चाहे वृद्धाश्रम बना रही है, वो इसलिए बना रही है, इसको ये सारी चीजें पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि सार्वजनिक व्यय में आता है। तो सरकार को ये सुझाव दिया गया कि आप जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा सार्वजनिक व्यय को आप कम करिए, क्या वो बेटा कोई दिक्कत है, दे दीजिए पानी, दे दीजिए, दे दीजिए। बेटा बेटा पढ़ लीजिए, देखो आप पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात, मुझे जो करना था कर लिया और आने वाले समय में जो करना है वो मैं कर भी रहा हूँ आपके साथ।
आपको लगता होगा कि मैं आपको पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, 4-5 घंटे में खुद पढ़ गया था, तब जाके मैं इतना आपको डिलीवर कर पाता। सोचता हूँ कि कौन कौन से एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिससे ये चीज़ें याद रहें। इकोनॉमिक्स इज अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, मैं सच कह रहा हूँ। मैं एमए पढ़ाता हूँ, बच्चों की संख्या 8-10 है और मेरा पूरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है जब मैं 10 बच्चों को देखता। आपको पढ़ाने मुझे इतनी खुशी महसूस होती है, मैं बता नहीं सकता। इसलिए मैं पूरे मन से, पूरे अपनी जितनी मेरी ऊर्जा है, शक्ति है, उसको लेके आता हूँ कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें कहानियाँ सुनाने के, मेरा उद्देश्य ये ही रहता है कि वो कहानी सुनाओ जिसके थ्रू आपको इकोनॉमिक्स याद रह जाए। कोई बच्चा नहीं लेना चाहता, सब सिंपल हिंदी जब किसी सब्जेक्ट का नाम नहीं लेना चाहिए, सब साधारण आसान सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, ये कर लो हो जाएगा। इकोनॉमिक्स कोई भी पढ़ना चाहता। जब मेरे समय में एडमिशन हुआ एमए में, 120 बच्चों का एडमिशन होता था, 40-45 फाइनल डिग्री लेके निकलते थे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में केवल इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स में इकोनोमेट्रिक्स है, इकोनॉमिक्स में ऐसा ऐसा पूरा मैथ डाल डाल के पूरा इकोनॉमिक्स को मैथमेटिक्स बना दिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक बहुत फेमस प्रोफेसर हुए हैं, प्रोफेसर जेके मेहता, उनकी थ्योरी बहुत फेमस है, थ्योरी ऑफ काउंटलेसनेस, आवश्यकता विहीन का सिद्धांत, बहुत फेमस हुए हैं। वही कहते थे इकोनॉमिक्स एक बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें गणित डाल डाल के इसको बर्बाद कर दिया है। ये जो आप पढ़ रहे हैं वो इंडियन भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, ये मैदान है, ये आपको समझाना है, लेकिन इकोनॉमिक्स में मैथ डाल डाल के बर्बाद किया गया। और इकोनॉमिक्स इज द क्वीन ऑफ सोशल साइंस, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सामाजिक विज्ञान का इकोनॉमिक्स को क्वीन कहा जाता है, ये सबसे प्यारा सब्जेक्ट है। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं किसे इसको इंटरेस्टिंग बना पाऊँ, पूरी कोशिश, हो सकता है मैं कभी कभी सक्सेसफुल ना हूँ, कभी कभी हो जाता हूँ। तो मेरा इंटेंशन ये है कि आपको बहुत प्यारे माहौल में जितना मैं समझा सकता हूँ मैं उतना समझाऊँ। तो अगर आप नहीं पढ़ना चाहेंगे तो आप कह देंगे मैं अगले दिन से आऊँगा भी, लेकिन मुझे आपको पढ़ाने में बहुत अच्छा लगा, मैं आपको क्लियर बताऊँ, क्योंकि बीए के बच्चों को मुझे ज़्यादा पढ़ते, तो वहाँ संख्या ज़्यादा रहती है, मुझे अच्छा लगता है उनको बताने में, क्योंकि अगर मैं अपनी बात से तमाम लोगों को कन्विंस कर पाऊँ इकोनॉमिक्स के लिए तो बहुत अच्छी बात। मैं कह रहा हूँ इकोनॉमिक्स बहुत बोरिंग सब्जेक्ट, अब आप थोड़ी पढ़ेंगे, मॉडल पढ़ेंगे, मैं खुद उब जाता था, मैं आपकी क्या बात। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि अगर आपको, आपसे मेरी मतलब एक विनती यही है कि अगर आपका इंटेंशन है तो प्लीज़ थोड़ा सा डेवलपमेंट है। मैं किसी का इंटेंशन किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट ये आप इतना कोशिश करें, आप कहेंगे नहीं पढ़ाना तो मैं उससे से रोक दूँगा, ठीक है? आगे बढ़ें, चलो अगला लिखिए। हाँ, ये बता रहा था आपको पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में बता रहा है। इसका मतलब ये है कि सरकार जो टैक्सेस लगाती है वो आपके ऊपर ही पैसे खर्च करती है, क्योंकि सरकार, अब आप ये नहीं डिनाई कर सकते कि हम टैक्स नहीं देंगे, आप, हम सारे लोग टैक्स पे करते हैं। अगर आप उसे कोई कहे कि आप टैक्स नहीं पे करते तो ऐसा नहीं, आप एक पेंसिल भी खरीदते हैं उसमें कुछ पैसे सरकार को टैक्स के रूप में पे करते हैं। अभी टैक्स को क्यों पे करते हैं? टैक्स को आप इसलिए पे करते हैं क्योंकि इसके बदले में आप ये सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो आपके वेलफेयर के लिए काम करेगी। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है वेलफेयर स्टेट, सरकार लोगों के लिए काम करेगी। अगर हमने ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं रखा होता प्रस्तावना में, तो आप समझिए कि सरकार बाउंड नहीं होती आपके लिए खर्च करने को, सरकार सीधे सीधे मना कर देती कि हम आपकी रोड नहीं बनवाओ, मैं अपना बनवाओ, क्योंकि हमने ये उसमें जो संविधान में एक संविधान का जो एक एक शब्द होता है उसकी बहुत सारी मीनिंग होती है। तो जब लोक कल्याणकारी राज्य लिख कर इसका सीधा मतलब है सरकार लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी, इस काम से वो डिनाई यानी कि मना नहीं कर सकती। अगला पॉइंट लिखिए, मौद्रिक नीति 1991, मौद्रिक नीति 1991, आप लोगों को इसके अंदर पानी है मुझे थैंक यू। मौद्रिक नीति 1991 पहला लिखिए, इसमें सब हेडिंग डाल के लिख लीजिए, पहला मूल स्थिरता को बनाए रखने के लिए, मूल स्थिरता को बनाए रखने के लिए, मूल स्थिरता का मतलब है प्राइस स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए बैंकों के ऋणों पर नियंत्रण, मूल स्थिरता को बनाए रखने के लिए बैंकों के ऋणों पर नियंत्रण किया गया, एवं
एवं ऋण का वांछित वितरण किया गया, ऋण का वांछित वितरण किया गया, कैसे बोलना इसको, हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, गैर जरूरी और अनिश्चित निवेश को, गैर जरूरी और अनिश्चित निवेश को सीमित करके आवश्यक निवेश को प्रोत्साहित करना, सीमित करके आवश्यक निवेश को प्रोत्साहित करना। तीसरा लिखिए इसी में, निर्यात को बढ़ाने का प्रयास, निर्यात को बढ़ाने का प्रयास। चौथा लिखिए, मौद्रिक उपकरण के अंतर्गत कठोरता को कम करना, मौद्रिक उपकरण के अंतर्गत कठोरता को कम करना। इसका मीनिंग ये था कि जो मौद्रिक यानी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मौद्रिक के दो बातें, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक फिस्कल पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी को बोलते हैं मौद्रिक नीति, जो कि लाता कौन है, रिजर्व, देश का केंद्रीय बैंक इसको बोलते हैं। हमारा देश का केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो राजकोषीय नीति है वो सरकार जारी करती है या सरकार ले आती है। तो जो मौद्रिक नीति का मुख्य जो उद्देश्य होता है, देश में महंगाई को कंट्रोल में रखे रहना। अब महंगाई कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, क्योंकि सरकार को यह पता है कि महंगाई बढ़ेगी तो सरकारी कर्मचारियों को बल्ले बल्ले, क्योंकि कहेगी हम आपका महंगाई भत्ता बढ़ा रहे हैं, हर 6 महीने पे आपका डीएन महंगाई भत्ता बढ़ जाता है सरकारी जो कर्मचारी। लेकिन जो देश का मैक्सिमम जो मास है, जो पीपल है, जो लोग है, वो रोजगार करने वाले सा लोग हैं, रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, सब्जियां बेचने वाले लोग, छोटे छोटे काम करने वाले लोग। अगर महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज्यादा असर उन्हीं पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम तो फिक्स है, सीमित है उनकी इनकम। वो 100 रुपए पहले भी कमा रहे, आज भी 100 रुपए कमा रहे, बहुत हो गए 110 कमाने लगेंगे। तो अगर महंगाई बढ़ेगी तो जो सामान वो पहले 500 रुपए में खरीद रहे थे जितना सामान, अब उसी सामान को खरीदने के लिए उनको 600 रुपए खर्च करना पड़ रहा है, इनकम उसकी उनकी बढ़ी नहीं। इसका मतलब 500 रुपए में अब कम सामान आएगा आपके पास। इसका मतलब ये कि उसी 500 रुपए में उनको घर चलाना है, तब उसमें कम सामान आएगा। तो जो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमें देश में महंगाई को कम करके रखना है। उर्जित पटेल की कमेटी थी, जो इससे पहले हमारे वो कौन थे, आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल थे, उन्होंने एक फॉर्मूला फिक्स किया था, महंगाई को ऐसे ही रखना है हम 4 ±2। इसका मतलब ये 4 में प्लस करेंगे कितना होगा, और 4 में से माइनस करेंगे तो 2 से 6 के बीच में ही महंगाई रहे तो वो देश के लिए अच्छा है। 4 ±2 का फॉर्मूला कि भैया 2 से लेकर 6 के बीच में है तब तो ठीक, अगर इससे ऊपर होता है तो अच्छी बात नहीं। आपने देखा बीच बीच में जो महंगाई का लेवल था 7% 8% की दर से बढ़ रही थी। जो सरकारी कर्मचारी जिनको डीए मिल जाता है उनको तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन बाकी लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजारा करें। आज से 30 साल पहले अगर एक व्यक्ति परिवार की इनकम अगर 5-6-10 हजार रुपए होती थी तो घर में 4 भी बच्चे हैं सबका खर्चा चल जाता था। अब आप 10 हजार रुपए में तुलना कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। 10 हजार रुपए में तो आपका 2 हजार रुपए केवल इंटरनेट का फोन का बिल चला जाएगा, क्योंकि तो ये मान के चलते हैं कि परिवार में 4 लोग हैं, 3 के पास तो फोन होगा ही। तो आज के समय में इतनी जो मुद्रास्फीति बढ़ रही है इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे देश हैं जो जैसे जिम्बाब्वे का आपने नाम सुना होगा, वेनेजुएला का नाम सुना होगा, वो इतना ज्यादा इतनी इतनी नोट भर के ले जाते हैं, इसके बदले में वो एक टाइम की सब्जी खरीद के ले आते हैं। जैसे हमारे यहाँ सब्जियां बिकती वैसे वहां उनके यहाँ नोट का भंडार लगा रहता है, आपको एक्सचेंज कराना है तो
इसका मतलब ये है कि अगर देश में महंगाई का लेवल लाखों टाइम बढ़ गया है तो असर ये होगा कि आप कितना भी पैसा इतना पैसा लेके जाते एक ब्रेड का पैकेट वो खरीद के ले आते, इतनी ज्यादा महंगाई। क्यों महंगाई है? क्योंकि एक तरीका ये होता है कि देश में महंगाई बढ़ गई, ये नोट छाप लो। जब मैं क्लास जब छोटा था ग्रेजुएशन या ट्वेल्थ में था तो उसमें मेरे दिमाग में ये होता था कि सरकार नोट छाप छाप के दे क्यों नहीं रहती, लोग तुम भी ले जाओ महंगाई सब कम हो जाएगी, किसी के पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। दूसरा एग्जांपल ऐसे सोचो कि मोदी जी सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डाल दें तो बताओ क्या होगा? आप सबके खाते में अगर मोदी के 15-15 लाख रुपए डाल दें तो क्या होगा? आपको क्या लगता है? ऑटो चलना बंद हो जाएगा और आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव होगा? अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप ये बताइए, मैं इकोनॉमिक्स टीचर हूं, मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ, अर्थव्यवस्था में इसका क्या असर पड़ेगा आप बताइए? 15 लाख रुपए अकाउंट में आपके लिखे, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड फॉर रुपीज 15 लाख। ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था रुक जाएगी, क्या हो जाएगी? अर्थव्यवस्था डिक्रीज हो जाएगी। और कुछ नया बताइए क्या होगा? अरे यार आपके पास 15 लाख रुपए हैं, खूब पार्टी करो, खूब घूमो, खरीदो सामान वामान खरीदो, क्या दिक्कत है? पार्टी करने का मेरा मतलब ये नहीं है, पार्टी का मतलब है कार खरीदोगे कि बुलेट खरीदोगे कि घर बनाओ, क्या करोगे? अगर भारत सरकार ये कर देती है 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में तो ये इकोनॉमी बस्ट कर देगी, भूल दे, खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब सबके हाथ में 15-15 लाख रुपए है। अगर इस हरदोई जनपद में 2 मार्कर हैं और दोनों मुझे खरीदना है और खरीदने वाले 10 लोग हैं तो जाहिर सी बात है इस मार्कर का दाम 25 रुपए होगा और खरीदने वाले 10 हैं और बेचने वाले में केवल 2 ही पीस बचा हुआ, तो हो सकता है ये मार्कर 15 लाख रुपए का, क्योंकि मेरी जरूरत के हिसाब से तय होगा। आपकी मनी की जो परचेजिंग यानी मुद्रा की जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी, इसीलिए मोदी जी ने आप लोगों के खाते में 15-15 लाख नहीं दिए, अर्थव्यवस्था को बचाया। तो वी शुड थैंकफुल फॉर हिम, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए कि हमने अकाउंट में पैसे नहीं दिए। अब वो अलग कहानी, चुनाव में कुछ चीजें कह दी जाती हैं, आप लोग उसको दिल पे ले लिए तो उनकी गलती थोड़ी ना है। अमित शाह जी ने कहा भी था जुमला हमने कह दिया, तुम लोग अपनी थोड़ी हर बात इमोशन में ले लोगे कि भाई 15 लाख है। तो कभी भी इसलिए कहा जाता है कि सर जो अपोजिशन पार्टियां या दूसरी पार्टियां कहती है कि मुफ्त की रेवड़ी कल्चर नहीं होना चाहिए। रेवड़ी कल्चर का मतलब यह है कि सरकार को फ्री में लोगों को इतनी सेवाएं नहीं देना चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज विरोध कर रही हैं केजरीवाल जो फ्री में ये मुफ्त में बसों का किराया मुफ्त कर रहे हैं, हेल्थ केयर मुफ्त कर रहे हैं, बिजली मुफ्त कर रहे हैं, पानी कुछ मुफ्त कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, ये एक फिलॉसफी कहती है। दूसरी फिलॉसफी ये कहती है कि सरकार को उन्हीं चीजों पे खर्च करना चाहिए जहां पे जरूरत है। जब आप इकोनॉमिक्स की थ्योरीज पढ़ेंगे तो 2 तरीके के इकोनॉमिक्स होते हैं, एक क्लासिकल होते हैं, क्लासिकल ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में सरकार का रोल केवल और केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए बस, बाकी काम पूंजीपतियों पर छोड़ देना चाहिए। दूसरी तरीके कीनीज़ियन अर्थव्यवस्था वो ये कहती है कि नहीं, अर्थव्यवस्था में सरकार का रोल होना चाहिए, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था फंस जाए 1929 में जब विश्व की आर्थिक मंदी आई तो उस समय सिचुएशन ये थी कि सामान तो बहुत भरा पड़ा रखा था, खरीदने वाला पूरी, तो किसी भी देश में अगर महंगाई का असर बहुत ज्यादा हो जाता है तो अच्छी सिचुएशन नहीं है, वो अल्टीमेटली वहां के लोगों के अंदर गुस्सा ही पैदा करेगा, क्योंकि जितना पैसा आपको मिल रहा है प्रतिदिन का उससे में आपका गुजारा नहीं हो पाया। अगला पॉइंट लिखिए, अगला हेडिंग में डाल लीजिए विदेशी विनियोग नीति 1991। विदेशी विनियोग नीति 1991, विदेशी विनियोग नीति 1991। पहला पॉइंट इसमें लिखिए, निर्यात में लगी
निर्यात में लगी विदेशी व्यापार कंपनी को, निर्यात में लगी विदेशी व्यापार कंपनी को 51% हिस्सा तक, 51% तक हिस्सा पूंजी लगाने की अनुमति, 51% तक हिस्सा पूंजी लगाने की अनुमति। अगला पॉइंट, सरकार उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में, सरकार उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में तकनीकी संधियों के, सरकार उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में तकनीकी संधियों के लिए स्वतः स्वीकृति प्रदान करेगी। सरकार उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में तकनीकी संधियों के लिए स्वतः स्वीकृति प्रदान करेगी। अगला पॉइंट लिखो, बहुत से उद्योगों में 51% विदेशी हिस्सा, 51% हाउस, अगला बहुत से उद्योगों में 51% विदेशी हिस्सा पूंजी के स्वामित्व की सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग की स्वतः स्वीकृति दी गई। इसका मतलब ये था कि सरकार विदेशी जो कंपनियां हैं उनको अपने यहाँ इन्विटेशन दिया कि आप हमारे यहाँ आइए और निवेश करिए। आपको याद हो कि उसका असर ये पड़ा कि जो तमाम आप न्यूज़ चैनल देख रहे हैं आज के समय में, एक समय में केवल एक न्यूज़ चैनल हुआ करता था, कौन सा? डीडी नेशनल में जो न्यूज़ आती थी और डीडी न्यूज़ में जो न्यूज़ आती थी। उसके बढ़ने के बाद ये हुआ कि जो आप सेटअप बॉक्स देखते हैं जिसको बोलते हैं डीटीएच क्रांति 2000 में बहुत तेज़ी से बढ़ी और आज के समय में हजारों चैनल हो गए भारत के केस में देखे थे। बाकी विश्व में देखेंगे, आप सोचिए पहले टीवी का जमाना है, अब धीरे धीरे करके फिर मोबाइल में शिफ्ट हुआ, आज जमाना आ गया है OTT का, जिसमें आप ऑनलाइन बैठे बैठे फोन में मूवीज कोई भी देख सकते। नेटफ्लिक्स का नाम सुना होगा, Zee5 का नाम सुना होगा, अमेजन प्राइम का नाम सुना होगा। तो आप सोचिए अपने फोन में हर कुछ, अब टीवी का जो क्रेज है वो धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है, केवल टीवी शो पीस का जरिया बन के रह गई है, बस उसमें केवल क्रिकेट मैच देखने में अच्छा लगता है मुझे। अब मैं अपनी बात बताता हूँ, और बाकी अगर आपको देखना है तो आप फोन से सारा कुछ देख सकते हैं। अब तो फोन पे भी आप मैच देख सकते हैं, लेकिन टीवी में जो देखने का मजा है वो दूसरा है। ये ऐसे मेरे व्यक्तिगत विचार है, बाकी आप देखिए। और दूसरा, अगर वो सीरियल देखना हो तब भी टीवी में अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब ये कि 1991 का ये फर्क हुआ कि सरकार ने कहा कि आप 51% तक हिस्सेदारी ले सकते हैं। 51 और 49 का फर्क क्या है कि जिस भी कंपनी के पास 51% हिस्सेदारी होगी तो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उसी की होगी, मेरे मैक्सिमम शेयर होंगे तो मैं जो निर्णय लूंगा वही माने जाएंगे। इसलिए देखिएगा जो भारत सरकार है काफी क्षेत्रों में 51% हिस्सेदारी कम नहीं करती, बोलती 49 तक हम आपको दे रहे हैं, 51 नहीं देंगे, 51 दे देंगे तो जो डिसीजन जिसके पास ज्यादा शेयर रहेंगे वही डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी, जिसके पास 51% शेयर होगा वही सारे फैसले निर्णय। अगला लिखिए, कुछ नहीं उसी में आगे बढ़ा के औद्योगिक क्षेत्र के वर्ष 1950-51 में औद्योगिक क्षेत्र
कि वर्ष 1950-51 के जीडीपी में 1950-51 के जीडीपी में हिस्सा 13.41% था, 13.41% था। हिस्सा 13.41% था, जो कि 2021-22 में बढ़कर 26.5% हो गया। भारत 26.5% हो गया। पहले जो मैक्सिमम जीडीपी जीडीपी का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद किसको बोलते हैं? ये बहुत कॉमन टर्म है जीडीपी। न्यूज में भी देखोगे जीडीपी इतने से बढ़ गई, इतने से बढ़ गई। जीडीपी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? सकल घरेलू। नहीं वो तो ठीक है, वो तो हिंदी में नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ उसका कॉन्सेप्ट क्या है। क्या है? नहीं बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एक वर्ष के दौरान, माना ये भारत देश है, जम्मू कश्मीर हो गया, इधर कन्याकुमारी हो गया, इधर गुजरात हो गया, इधर अपना मिजोरम, इस देश की बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, उसी सबका मॉनिटरी मौद्रिक वैल्यू, इसी को हम जोड़ लेंगे, ये हो जाता है एक वर्ष के दौरान वही जीडीपी होगा। सिंपल सबसे साधारण डेफिनेशन कि एक वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में जितनी भी उत्पादित चीजें हो, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर की हो, प्राथमिक क्षेत्र की हो, चाहे वो द्वितीयक सेक्टर की हो, चाहे वो तृतीयक सेक्टर की हो। आपको द्वितीयक सेक्टर के कंपोनेंट पता ही है कौन कौन से आते हैं? कंस्ट्रक्शन हुआ जिसको मैंने लिखाया था, विनिर्माण, ये सब चीजें द्वितीयक में कौन से हो गए? बैंक हो गया, रिटेलिंग हो गया, होटल हो गया, इंडस्ट्री, तमाम चीजें वो सारे तृतीयक क्षेत्र। इन्हीं के जो सर्विसेज हम दे रहे हैं, इसी को हम मॉनिटरी वैल्यू, इसकी मौद्रिक वैल्यू को जोड़ के हम बता देते हैं कि हमारी जीडीपी इतने। माना कि 2021-22 में 100 रुपए थी, अब 100 से अगले साल 120 हो गई, तो हम ये कह सकते हैं भाई कि एक साल के दौरान भारत सरकार की जीडीपी 100 से 120 हुई है, इसका मतलब 20% की वृद्धि हुई। अगर 100 से ये 90 रह गई तो 10% की कमी हुई। तो ऐसे जीडीपी को हम कैलकुलेट करते, उसके कई तरीके हैं जीडीपी कैलकुलेट करने का, वो दूसरा है। आप कुछ लिखिए, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लीजिए। ये वस्त्र उद्योग टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, थोड़ा सा मुझे लगा कि वन लाइनर लिखा तो जरूरी है, थोड़ा सा आपको लिखना जरूरी है। सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना वर्ष 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा लिखाने के पर्पस है। फोर्ट ग्लास्टर में की गई, फोर्ट ग्लास्टर में की गई, लिखा क्या था पहले दिखाया गया क्या? ये अगला पॉइंट 2021-22 के अनुसार, वर्ष 2021-22 के अनुसार भारत विश्व में वस्त्र एवं परिधान का छठवां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अगला पॉइंट उसी में, यह उद्योग विनिर्माण के क्षेत्र में 18% यह उद्योग देश के, यह उद्योग विनिर्माण के क्षेत्र में 18%
और सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 5% का योगदान देता है, या उद्योग विनिर्माण के क्षेत्र में 18% और जीडीपी में 5% का योगदान, जबकि वैश्विक व्यापार में, कॉमा डाल के लिखिएगा, जबकि वैश्विक व्यापार में भारत के कपड़ा और वस्त्र का हिस्सा 4%, भारत के, जबकि वैश्विक व्यापार में भारत के कपड़ा और वस्त्र का हिस्सा 4%। उसी में आगे लिखिए, यह उद्योग देश में कृषि के बाद, यह उद्योग देश में कृषि के बाद, यह उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा बड़ा क्षेत्र है। आप लोगों ने शशि थरूर का नाम सुना है? शशि थरूर इस देश के एक समझ लीजिए बहुत ही अच्छे, अगर 100 लोगों में टॉप में नाम लिया जाए तो उसमें भारत के 100 अच्छे लोगों में से एक। कारण क्या, उनके लिए किस स्पीच आप लोग पढ़िए, कभी सुनिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है, इंग्लिश में है, शायद हिंदी ट्रांसलेशन में भी अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में उन्होंने अभी कुछ दिन पहले की स्पीच दी थी, भारत सरकार की तरफ वो प्रेजेंटेशन करने गए थे। जो ब्रिटेन है, आज का ब्रिटेन है, जिसको आप इंग्लैंड कह रहे हैं ना, ब्रिटेन को ये लगता है कि जो भारत में विकास हुआ वो हमारी वजह से हुआ है, सारे बड़े बड़े रेलवे का विकास हमने किया। उनको इस बात का गुमान है कि रेलवे का, अगर हम नहीं, जब ब्रिटिशर देश को छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि इस देश को संभाले कौन, अल्टीमेटली हमारे पास ही लौट के आएंगे, क्योंकि ये अनसिविलाइज लोग हैं। अनसिविलाइज मतलब ब्रिटिश यहाँ पर क्या करने आए थे, आपको व्यापार करने नहीं, इसके अलावा भी उनका मकसद, जब उनसे पूछा जाता था आप यहाँ क्या करने आए, तो कहते थे कि इनको हम अनसिविलाइज से सिविलाइज बनाने आए, इनको खाने की भी तमीज नहीं, इसलिए हमको बोला इंडस। इंडिया जो शब्द आया है ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में देखेंगे तो उसकी मीनिंग तो दूसरी निकलेगी। ये अनसिविलाइज लोग हैं, स्नेक चार्मर्स का देश है, सपेरों का देश है। हमारे यहाँ जब एक वो जो वहाँ की राजकुमारी होती, क्या बोलते हैं उनको, क्वीन, बीन आए थे, तो हमने यहाँ पर उनको ना, हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी आश्चर्य वाली बात नहीं होती, सपेरा आता नहीं बीन बजा के दिखाता रहता है, वो जब पहली बार देखा तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि कैसे ये इसके माध्यम से सांप को कंट्रोल में कर रहा है। वो कहते थे बहुत अनसिविलाइज्ड हो, इनको खाना खाने की तमीज दो, ये हाथ से खाना खाते हैं, हमारे लिए तो नॉर्मल चीज है ना हाथ से खाना, ब्रिटिश लोग हाथ से खाना नहीं खाते, वो क्या इस्तेमाल करते हैं, फोर्क, जो कांटे वाला चम्मच, और जब खाना खाते हैं तो यहाँ पर एक कुछ हैंकी लगा लेते हैं, पैर के पास हैंकी लगा देते हैं, कुछ कपड़ा लगा, हैंकी नहीं कपड़ा लगा देते हैं, हाँ वो हमारे यहाँ कब लगाते हैं ताकि गिर न जाए, लेकिन वो कहते थे इनको किसी चीज की तमीज है ही नहीं है, न इनको रहने की तमीज है, न इनको खाने की तमीज है, कुछ नहीं है, हम इनको सिविलाइज बनाने हैं। जहां जहां पर उन्होंने अपना अधिकार जमाया ब्रिटिश लोगों ने, सब तो यही कहा कि हम इनको सिखाएंगे, इसीलिए आज भी हम ब्रिटिश कल्चर को बहुत तेजी से फॉलो करते हैं। मैंने भी कई बार कोशिश की है कि मसाला डोसा में कांटे वाले चम्मच से खाऊं, नहीं कि मैं 3-4 में सक्सेसफुल हुआ हूँ, ऐसा नहीं मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब अगर आप अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, खासकर महिला मित्रों के साथ, जब कॉलेज में हम जाते थे तो हमें टेंशन इस बात की ज्यादा रहती थी भाई खाएंगे कैसे, तो हम वही सामान ऑर्डर करते थे जो आसानी से खाया जा सके। चाउमीन मैंने आज तक कभी ऑर्डर नहीं किया क्योंकि मैं उससे नहीं खा पाऊँ, ये मुझे बात मुझे पता है। तो धीरे धीरे करके आपको ये सीखना पड़ा। अब ये अलग बात होती थी कि उधर उधर देखने लगती थे, तोड़ के हाथ से अपना मामला चलो खत्म भी तो करना है इसको, अब भैया वो पहले खा के खत्म हो जाएगा था, आज भी होता है, देश होती है, लेकिन अब आदत हो गई तो अब खा लेते हैं, दिक्कत नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये, वो ये कहते थे इनको सिविलाइज्ड बनाना है, इनको कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो गाँव में तो क्या बोलते हैं, लुंगी पहन के पूरा गर्मी को गुजार देते हैं। उनको लगता था कि जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में गए ब्रिटेन, उनको कोई लोडी नहीं ले रहा था कि भाई एक आदमी धोती पहने उसके शरीर पे कोई कपड़ा ही नहीं है, आठ नंगे फकीर, इसीलिए विंस्टन चर्चिल ने बोला था ना। अब रानी जो क्वीन है जो मिलती है, तो आप देखें जो उनके हाथ में दास्ताने होते हैं, रानी कभी भी दास्ताने खोल के किसी से हाथ नहीं मिलाती,
वो दास्ताने प्रॉपर पहन के मिला थी। तो जब एक बार मोदी जी शुरू शुरू में प्रधानमंत्री बने थे, जब रानी से पीन से मिलने गए थे तो पीन के हाथ में दास्ताने नहीं थे। तो ये बड़ी मीडिया में वो तस्वीरें आई कि चलो पीन ने अपना दस्ताना उतार दिया, उनको बराबरी का समझ रहे। ब्रिटिश पीरियड में एक कोटेशन लिखा होता था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नेट नॉट अलाउड। अभी के प्रधानमंत्री कौन है ब्रिटेन के? ऋषि सुनक। वो किसके दामाद हैं? नारायण मूर्ति। भारत की नहीं है नारायण मूर्ति, ऐसे मत हो यार, नारायण मूर्ति के दामाद। तो उनकी एक मीडिया में फोटो आई उनकी उनकी पत्नी के साथ, बीच में एक कुत्ता का वो पट्टा लिए हुए। तो मैंने भी एक मीम शेयर किया था, मैं भी मेरे अंदर का भार वो थोड़ा सा जागा राष्ट्रवाद, मैंने कहा नाउ इंडियंस एंड डॉग्स आर अलाउड, क्योंकि वो कहते थे कि इंडियंस और कुत्तों का यहाँ प्रवेश वर्जित है, वर्जित है। तो कहने का मतलब मीडिया में भी कार्टून बन गया है कि अब इंडियंस एंड डॉग्स आर अलाउड है, क्योंकि हाथी मूल के ही वो बने प्रधानमंत्री। तो मेरा कहने का मतलब समय जाने में कि देर नहीं लगे, कल तक शशि थरूर, हाँ मैं बात कर रहा था शशि थरूर, उनकी जो स्पीच है उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच, आप देखिएगा जरूर उसको, अगर आपने देखा हो। उन्होंने ब्रिटिश को ऐसा बुलाया कि जब हम आपके कंट्रोल में थे, जब आपने हमको कॉलोनी बनाया, तो पूरे विश्व में विश्व का 23% हिस्सा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सूती वस्त्र है हम पूरे विश्व को देते थे, लेकिन जब आप 1947 में हमारे देश को छोड़ के गए तो केवल हमारा जो एक्सपोर्ट का प्रतिशत है वो 2% था। आपने हमारे देश को केवल लूटा है, और जो परेशानियां हुई हैं इसके बदले में, आपने जो रेलवे आपने बनाई, रेलवे अपने काम के लिए बनाई, क्योंकि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को लाना था। पूरी स्पीच में जो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ब्रिटेन शुड अपोलोजाइज फॉर दिस, ब्रिटेन को इसके लिए भारत से माफी मांगनी चाहिए। इस बात को उन्होंने कहा कि टोकन ऑफ सिंबल के तौर पर ब्रिटेन को भारत सरकार को 1 रुपया देना चाहिए, और बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए कि आपने जो किया है हमारे देश लोगों ने। क्योंकि जब बंगाल में अकाल की स्थिति आई थी तो गोडाउन में गेहूं सड़ रहा था, लेकिन जो प्रधानमंत्री थे उस समय के ऋषभ चतुर्वेदी बोलता है इनको मर रहे हैं तुमको मरने दो, लेकिन गेहूं का कोहरा जो जरूरत था वो नहीं पहुंच पाया। तो आज के लिए इतना रखें, बाकी मिलते हैं सेम टाइम पर अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।